हम तो दास हैं, हमारा तो जीवन ही उनके लिए, राम कहो या श्याम कहो, है तो वही ना मैं। आशीर्वाद तो उनका हम सब पर है। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज गुरुजी हमें बताएंगे कि राम मंदिर के ऊपर गुरुजी के क्या विचार है और गुरुजी क्या सोचते हैं। चलिए सुनते हैं स्वयं गुरुजी से। जो सर्वसमर्थ अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनका घर है वो अयोध्या, और उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा हुआ है। किसी का काहू को बसनाए, जब जो कछो सब तिहारी कृपा से, उनका इस समय ऐसा कृपा प्रसाद हुआ कि हम अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। नहीं, उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता, ये अपने बस की बात नहीं थी। बहुत समय से पूर्व इतिहास को देख लीजिए, ये चमत्कार हो गया भगवत कृपा का कि हम सब भारतवासियों की जो हृदय की भावना थी वो साकार रूप धारण करने जा रही। हम तो दास हैं, हमारा तो जीवन ही उनके लिए, राम कहो या श्याम कहो, है तो वही ना मैं। आशीर्वाद तो उनका हम सब पर है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, हम सब अपनी मनोभावनाओं को शुद्ध करके अगर उनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो वहाँ भी विराजमान होंगे और वो यहाँ भी विराजमान होंगे। बाहर तो भगवान विराजमान होने जा ही रहे प्रगट में, उस नवीन महल पर हम सब उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके दासत्व को स्वीकार करें, और यहाँ भी हृदय राख कौशलपुर राजा। आज हम यहाँ चूक कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि शास्त्र आज्ञा भगवद आज्ञा के विरुद्ध मन को लेकर के विषयों में विचरण कर रही है। अगर हमारे गंदे आचरण, गंदा आहार, गंदा चिंतन नहीं रुका तो यहाँ ठाकुर जी जो बैठे हैं वो प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। रामलला तो पहले भी विराजमान थे, अब नवीन महल पे विराजमान होंगे, नहीं होंगे ना, वही जगह। तो यहाँ पहले भी विराजमान, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी, साक्षात प्रभु विराजमान बिहारी जी राधा वल्लभ जी, पर यहाँ नहीं है प्रभु प्रकट। आचरण हमारे बिगड़ गए तो उनके सामने भी छाती जलती है और हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते, और सामने सुख सिंधु विराजमान। हमारी जो आंतरिक प्रार्थना है, हमारी जो आंतरिक भावना है कि जन जन के मानस पर राम राज्य प्रकट हो, जन जन भगवान की दास्ता को स्वीकार करके अपनी वासनाओं का नियंत्रण करें, जो दुर्वासनाएं ऐसे पापाचरण में ऐसे लिप्त होती जा रही, जहां कहीं भी सुख नहीं, शांति नहीं, केवल चिंता, शोक, भय और परिणाम मृत्यु, परमानंद की बाढ़ यहां आ जाएगी यदि रघुनाथ जी को अपना स्वामी मानकर उनकी आज्ञा से चले। भगवान ने कहा वही मेरा सेवक है जो मेरा अनुशासन माने, वही मेरी प्रजा है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने। अनुशासन है गीता जी, रामायण जी, भागवत जी और गुरुजनों संतों की वाणी। हमको बहुत आवश्यकता है यहाँ रघुनाथ जी को प्रकाशित करने की। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, यहाँ यहाँ जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही गुरु जी के और सुंदर प्रवचनों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।